यस प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 में अध्याय 12 में वचन माला 2.2 ले रहे हैं। कल अपन ने 12.7 तक क्रमें 12.7 तक आपको समझा दिया था, उसके बाद में उदाहरण है तो उदाहरण आप स्वयं कीजिएगा, मैं ले रहा हूँ। अब पहला क्वेश्चन सत्य और असत्य पर आधारित है, स्वयं करें। अब है क्वेश्चन नंबर 2, यदि व्रत की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, एक व्रत है क्वेश्चन नंबर 2 में जिसकी त्रिज्या हमको दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर, इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये जीवा है ए बी, जिसकी लंबाई यानी ए बी बराबर अपन को दे रखा है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या हम लेते हैं यानी ओ ए, आर बराबर ओ ए, यानी ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर। इस तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से, तो केंद्र से दूरी ये हो गई हमारी ओ ए, ये हमारी आर हो गई, 13 सेंटीमीटर हो गई, ये कुल हो गई 10, ये हमको ज्ञात करनी है, तो इसे मान लिया हमने चलो कुल। अब दूरी हमेशा कैसे नापते हैं, लंबवत देखिए, अब इसको हल करें अपन, तो चूंकि ए बी वृत्त की जीवा तथा ओ एम लंब ए बी प्रमेय बार कोण तीन है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ए एम बराबर ए बी बटे, तो ए एम बराबर हो गया हमारा 10 बटे 2 यानी 5 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज बन रहा है हमारा, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए एम ओ में, अब समकोण त्रिभुज का जनक कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं, बोधायन, तो बोधायन है, बोधायन प्रमेय से, बोधायन ने क्या प्रमेय दी थी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये भी 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, तो हमको लंब ज्ञात करना है यानी ओ एम स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, यानी क्या कहें अपन, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हुआ है स्क्वायर बराबर हो गया ओए स्क्वायर, ओए का मान 13 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169 169 25, तो ओ एम स्क्वायर बराबर 144, तो ओ एम बराबर आ गया आपका अंडर रूट 144, तो ओ एम बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये जो दीवा है वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान पूर्वक समझें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। यह वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी जिनकी लंबाइयां क्रमशः 6 और 12 हैं, एक दूसरे के समांतर हैं तथा वह वृत्त के केंद्र के ए की ओर स्थित हैं, वृत्त के केंद्र के यदि ए बी और सी डी के बीच की
20 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त की दो जीवाएं, थोड़ा सा जगह वृत्त की बड़ा सवाल है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ए बी और सी डी जिनकी लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर, तो ये तो हमारी ए बी हो गई क्योंकि जो जो कि नीचे दूर जाते हैं जिनका की लंबाई घटती चली जाती है, और ये हो गई सी डी। सी डी ए बी और सी डी भी एक दूसरे के समांतर भी हैं, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल है, समांतर हैं। एक की लंबाई यानी ए बी बराबर दे रखा है अपन को 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर दे रखा है अपन को 12 सेंटीमीटर, तथा वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी यानी अब अपन इससे इस पर लंब डालें तो ये हो गया हमारा एम और ये हो गया एन, ये हो गया एन, ये एन जो एम है ये दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। दोनों ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली। तो ये हमारी क्या हो गई, ओ ए ओ बी ओ सी, ये क्या है, त्रिज्या है। तो हल हम कर रहे हैं, हल माना वृत्त की त्रिज्या क्या मान लिया हमने, बराबर आर। तो आर बराबर क्या हो गया, ओए बराबर ओ सी, यहाँ पर अपन जो देख रहे ओ एम और ये दोनों समांतर हैं। तो अब हम बारी बारी से इन दोनों को लेंगे। तो ये ON, ON बराबर हमने मान लिया है x सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी x सेंटीमीटर, x हो गई। तो जो आपका ये हुआ है ON, ON बराबर हो गया हमारा x प्लस 3 सेंटीमीटर, क्योंकि एन एन कितना है 3 सेंटीमीटर, और ओ एन को कितना माना है हमने x सेंटीमीटर, तो ओ एन कितनी हो गई x प्लस 3 सेंटीमीटर। अब सी डी ए बी, अब चूंकि ओ एन लंब ए बी तथा ओ एन लंब सी डी, तो प्रमेय हमारी जो 12/3 है वो क्या कहती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो प्रमेय 12/3 से, प्रमेय 12/3 से क्या हो गया, सी एन बराबर, या सॉरी हम ये ले लें ए एम बराबर, ए एम बराबर ए बी कितना है 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर, और सी एन बराबर हो गया अपना इसी प्रकार से सी डी की लंबाई कितनी है 12/2 ये 6 सेंटीमीटर। तो अब हम देखें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है हमारा सी एन ओ, सी एन ओ में
वही अभी अभी बताया बोधायन प्रमे से, बोधायन प्रमे से क्या हुआ, ये आर है हमारा, ओए भी क्या है आर है, तो आर एक बार संकेत ले लो, ओसी स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर बराबर, ओसी क्या है कर्ण है, तो ओसी स्क्वायर बराबर सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, तो ओसी हमारा आर स्क्वायर बराबर सी एन, सी एन का मान अपन निकाल चुके हैं, छह का स्क्वायर प्लस ओ एन कितना है एक्स का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 36 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है हमारी। आप देखें आप अब समकोण त्रिभुज ए एम ओ में, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में वही बोधायन प्रमेय से ओ ए स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ओ ए कितना है आर स्क्वायर त्रिज्या है वृत्त की, ए एम कितना हो गया तीन हो गया, प्लस ओ एम, ओ एम अपन ने निकाल रखा है एक्स प्लस तीन का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर तीन दिया नौ, ये कौन सा सूत्र लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप कक्षा आठ से पढ़ते चले आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दोगुना यानी तीन दुना छह एक्स प्लस नौ, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स प्लस नौ दुना अठारह, ये हमारी सेकंड समीकरण हो गई। अब क्या करें अपन, देखिए पहले हम इसका मान निकाल लें एक्स का मान निकाल लें, तो फर्स्ट और सेकंड से देखें, फर्स्ट व सेकंड से देखें, देखिए ये भी आर स्क्वायर का मान है, ये भी आर स्क्वायर का मान है, तो एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स प्लस अठारह बराबर 36 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो 6x बराबर 36 माइनस 18, 6x बराबर 18 बचा और x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3, अब ये x का मान हम इसमें रख दें फर्स्ट में रख दें, तो x बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखिए कहाँ है फर्स्ट, सेकंड में भी रख सकते हैं पर आपको ज्यादा टाइम लगेगा, फर्स्ट में रखिए, तो r स्क्वायर बराबर 36 प्लस 3 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर 36 प्लस 9, r स्क्वायर बराबर 45 और r बराबर अंडर रूट 45, तो r बराबर 45 की टुकड़े कीजिए 9 पंजे 45, 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी 3 अंडर रूट 5, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नजर डाल लीजिए एक बार, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो सैद्धांतिक है जिसमें सिद्ध करना है, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखें। आकृति दे रखी है अपन को, ये आकृति दी गई है। यस, दो समान चिपकाए हैं, एक तो ये हो गई ए बी और दूसरी हो गई हमारी सी। ये दीवार का नाम हो गया सी। ये एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो दिया है, क्या दिया है हमको, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है, चाप डी ए बराबर चाप सी बी। सी देखिए यहां पर उपपत्ति हम कर रहे हैं, देखो ये तो हमने हिंदी में, यदि आप जीवा को लिखे संकेतों में तो इसे जीवा पढ़ा जाता है, और ए बी पर यदि हमने ये घुमावदार यानी चाप का निशान लगाया तो इसे पढ़ेंगे चाप ए बी और इसे पढ़ेंगे जीवा ए बी। अब देखो जीवा ए बी हम इधर से इधर या इधर से कर ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाप का क्रम एक निश्चित होता है और वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इसमें भी एक क्रम होता है। तो चूंकि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी दिया है, दिया है, या जीवा को अपन केवल ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी या बी ए बराबर बी ए बराबर सी डी, बी ए बराबर सी डी। और अपन ने ये पढ़ा है कि बराबर जीवाएं बराबर चाप काटती हैं, ये जीवा दोनों बराबर हैं बी ए और सी डी, तो इसका जो चाप हो गया वो क्या हो गया बी ए और इसका चाप क्या हो गया सी डी। चूंकि बराबर जीवाएं बराबर चाप काटती हैं, इसलिए चाप बी ए, चलो मैं इधर लिख देता हूं आप देख, तो चाप बी ए बराबर चाप सी डी, चाप सी डी। अब आप ध्यान दें चित्र में हमें सिद्ध क्या करना है, चाप डी ए, डी ए यहां से आता है जबकि हमारे पास में बी ए, तो कौन सा टुकड़ा भाग हुआ बी डी, इधर सी डी है और चाहिए सी बी, तो दोनों में क्या है बी डी चाप घनिष्ठ है, चाप यानी हम यूं ही लिखते सीधा ही बी डी चाप दोनों तरफ घटाने पर, तो याद आसान, तो चाप बी ए माइनस चाप बी डी बराबर सी डी चाप माइनस बी डी। चित्र देखें, बी ए में से बी डी गया तो चाप क्या बच गया हमारा डी ए, और सी डी में से चाप बी डी गया तो चाप सी डी। ये जो अभी मैंने बताया है कि ये चित्र किसके हैं चाप के, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं चाप डी ए बराबर चाप सी डी।
इति सिद्धं, यही आपको सिद्ध करना है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसे देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। चलो पहले बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा सा आसान क्वेश्चन है पर बोर्ड में आया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आकृति में ए बी और सी डी एक व्रत की समान जीवाएं हैं। आकृति दे रखी है अपन को, आकृति इसमें ए बी, क्वेश्चन नंबर 5 आकृति जब दे देता है तो अपन ने नाम चेंज कर सकते नहीं कुछ कर सकते। ये ए बी दे रखा है अपन को, यहाँ ए लिखना है, यहाँ बी और सी, ये सी है और ये व्रत का केंद्र है और यहां से ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब, ये एन है और ये एन है, इसको मिलाया गया, ये लंब है, ये ओ हो गया। अच्छा तो यहां अपन को दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर सी डी, जीवा ए बी बराबर सी डी तथा ओ एम लंब ए बी और ओ एन, ओ एम लंब ए बी और ओ एन लंब सी डी, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल ओ एम एन, ओ एम एन बराबर एंगल ओ एन एन। देखें क्या करें, हमें सिद्ध करना है ये कोण और ये कोण दोनों बराबर, कैसे बराबर हो, ए बी और सी डी दोनों समान है, समान है तो इनकी केंद्र से दूरियां भी कैसी होंगी, समान होंगी, समान हो गई तो त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, उपपत्ति क्योंकि जीवा एपी बराबर जीवा सीडी आर गिवन दिया है तथा देखें ओ एम लंब ए बी व ओ एन लंब सी डी, ये भी हमको दिया है, प्रमेय 12 कोण नहीं 12 कोण पे 2 से बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, क्योंकि किसी भी वृत्त की बराबर जीवाएं, बराबर जीवाएं केंद्र से सम दूरस्थ होती हैं, होती हैं, यह हमारी प्रमेय हमने पढ़ी है, तो इसलिए ओ एम बराबर ओ एन,
अब त्रिभुज OMN में OM बराबर ON सिद्ध किया है अभी अपन ने, और किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण OMN बराबर कोण ONN इति शीर्षक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो उसके लिए अपन को टाइम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये आप कल इसमें कराएंगे, आज बस इतना ही, आप रोज देखते रहिए।